गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू संस्कृत ऑनलाइन लेक्चर्स। पहले दो वीडियो में हमने चैप्टर वन पढ़ा था। आपका चैप्टर वन था संस्कृत वर्णमाला। उसमें बताया गया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और दोनों विभाग में उनके सब पार्ट्स भी थे, सब पॉइंट्स भी थे। जैसे कि पहला था स्वर, तो स्वर में तीन पार्ट थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते थे? अ, फिर ह्रस्व ई यानी कि छोटा ई, ह्रस्व उ यानी कि छोटा उ, और ह्रस्व रु यानी कि छोटा रु, रु और लु। ये पांच ह्रस्व स्वर में आते थे। फिर दीर्घ स्वर में आ, फिर दीर्घ ई यानी कि बड़ा ई, दीर्घ उ यानी कि बड़ा उ, और दीर्घ रु यानी कि बड़ा रु। और संयुक्त स्वर में आते थे ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, फिर उसके बाद वाला टॉपिक था व्यंजन। तो व्यंजन में भी तीन प्रकार के व्यंजन आते थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग यानी कि कख ग घ ङ, च वर्ग यानी कि च छ ज झ ञ, ट वर्ग यानी कि ट ठ द ढ ण, त वर्ग यानी कि त थ द ध न, और प वर्ग यानी कि प फ ब भ म। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर व्यंजन का दूसरा पार्ट था अंतस्थ व्यंजन। उसमें कौन से व्यंजन आते थे? य, र, ल और व। और व्यंजन का तीसरा पार्ट था उष्म व्यंजन। उसमें कौन से व्यंजन आते थे? श, श, स और ह। और इनके अलावा एक टॉपिक और था अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि किसी भी अक्षर पे हम बिंदी लगाते हैं वो, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर। और दूसरा अयोगवाह है किसी भी अक्षर के बाजू में जो हम डॉट डॉट लगाते हैं वो, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। यानी कि दो अयोगवाह, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, तो इतना हमने चैप्टर वन के एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने समझा, पढ़ा, जाना। उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस देख सॉरी उसी में चैप्टर में एक और टॉपिक था संयुक्त वर्ण यानी कि जॉइंट लेटर्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली आपके चैप्टर में चार संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, ज्ञ, क्ष, द्य और त्र। मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त ही पढ़ाया था। ज्ञ में लोगों को ऐसा मानना रहता है लोगों का कि ग और य मिलकर ज्ञ बनता है, हालांकि ऐसा नहीं है। झ प्लस अनुस्वार आई मीन नासिका वाला ञ, झ प्लस ञ इज इक्वल टू ज्ञ। और उसका उदाहरण है ज्ञान, विज्ञान वगैरह। उसके बाद वाला संयुक्त अक्षर था क्ष, तो क प्लस षटकोण वाला श इज इक्वल टू क्ष। उदाहरण आपको पता ही है, कक्षा, परीक्षा वगैरह। उसके बाद वाला संयुक्त अक्षर था द्य, द प्लस य इज इक्वल टू द्य। मैंने उस वक्त भी आपको वीडियो में समझाया था कि जनरली लोग 10 में से 9 लोग गलत ही बोलते हैं ये जो द्य वाला अक्षर है वो। आई एम डैम श्योर कि आप भी अभी तक गलत ही बोल रहे होंगे, जैसे कि विद्यालय, विद्या, हालांकि द्या जैसा कोई अक्षर है ही नहीं वो, वो है द्या। विद्यालय, विद्या, उद्यम, उद्योग वगैरह। और उसके बाद वाला संयुक्त अक्षर था त्र, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, त प्लस र इज इक्वल टू त्र। और उसके उदाहरण है पत्र, मित्र वगैरह। तो इस प्रकार चैप्टर वन में इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े एक्सप्लेनेशन के दौरान। उसके बाद हमने एक्सरसाइज अटेम्प्ट की थी। एक्सरसाइज वन थी कि आपको 7
शब्द दिए थे उसका वर्ण विच्छेद करना था। वर्ण विच्छेद क्या होता है वो मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था, इसमें भी ब्रीफ कर देता हूँ। किसी भी अक्षर को स्वर और व्यंजन के रूप में अलग अलग करना, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि पहला आपका शब्द था रा ज न, न में वो तिरछी लाइन यानी कि हाफ न, हलंत न, तो इसका वर्ण विच्छेद राजन शब्द का क्या होगा? सबसे पहले रा का वर्ण विच्छेद करना है, हलंत र यानी कि र के नीचे वो तिरछी लाइन प्लस आ, तब जाकर रा बनता है। फिर ज, तो ज हलंत यानी कि ज के नीचे तिरछी लाइन और अ, और न तो ऑलरेडी शब्द में ही हाफ है, तो राजन का वर्ण विच्छेद क्या होगा? हाफ र प्लस आ प्लस हाफ ज प्लस अ प्लस हाफ न। जब मैं हाफ बोलता हूँ उससे आपको ये समझना है कि तिरछी लाइन वाला अक्षर, हलंत अक्षर। तो इस प्रकार गज, फलम, छात्रा, मती, ज्ञान और कक्षा, ये आपके 7 शब्द थे, उसको आपको वर्ण विच्छेद करना था, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 थी, एक साथ आपको 12-15 लेटर्स दिए गए थे स्वर और व्यंजन मिक्स करके, उसमें ऐसे आपको स्वरों को और व्यंजनों को अलग छांटना था, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। उसके बाद वाली एक्सरसाइज थी आपको जो जॉइंट लेटर्स है उसका स्प्लिट फॉर्म यानी कि अलग अलग फॉर्म दिया था, उसको मिलाकर आपको एक संयुक्त स्वर बना, आई मीन व्यंजन बनाना था। जैसे कि द प्लस य आपको दिया है तो इज इक्वल टू करके आपको ब्लैंक दिया गया है, उस ब्लैंक में उसका आंसर लिखना है। तो क्या होता है? द प्लस य इज इक्वल टू द्य। वैसे ही क प्लस श इज इक्वल टू क्ष बनता है, प प्लस र इज इक्वल टू प्र बनता है, झ प्लस ञ इज इक्वल टू ज्ञ बनता है, क प्लस र इज इक्वल टू क्र बनता है, और त प्लस र इज इक्वल टू त्र बनता है। तो इन तीनों एक्सरसाइज तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आगे की एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है MCQs। आपको 5 MCQ पूछे हैं, 5ों के 4-4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। पहला है MCQ नंबर 1, ह्रस्व स्वर यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है बड़ा उ, तीसरा ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है ओ, और पांचवा ऑप्शन है ई। आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट वाला जो ई है वो ह्रस्व स्वर है, तो ऑप्शन नंबर 5 इज अ करेक्ट आंसर। दूसरा MCQ, दीर्घ स्वर यानी कि इन 5ों में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ए, ऐ, ओ, औ और आ। अब आपको मैंने समझाया था कि ए, ऐ, ओ और औ है वो संयुक्त स्वर है, दैट मीन्स जो लास्ट वाला आ ऑप्शन है वो सही आंसर है, दीर्घ स्वर आ होता है। फिर तीसरा MCQ, स्पर्श व्यंजनम, इनमें से इन 5ों में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन यानी मैंने आपको बताया था कि वो जो 25 थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग वाले 5-5 लेटर, तो स्पर्श व्यंजनम उसके ऑप्शंस है य, र, ल, व और त। अब आपको पता ही है कि य, र, ल, व है वो अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला त ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी कि त है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। फिर है अंतस्थ व्यंजनम, MCQ नंबर 4, इन 5 में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? श, श, स, ह और व। अब आपने वीडियो में पढ़ा ही था लास्ट वाले वीडियो में कि श, श, श और ह है वो है ऊष्म व्यंजन, तो इसका सही आंसर लास्ट वाला ही हुआ, व, यर, ल, व, व है वो अंतस्थ व्यंजन है। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट MCQ है उष्म व्यंजन, उसके ऑप्शन है य, र, ल, व और श। अभी एक आधा मिनट पहले मैंने आपको बताया कि य, र, ल, व है
वो अंतस्थ व्यंजन है और लास्ट वाला जो श है वो ऊष्म व्यंजन है। तो इसका भी सही आंसर श आएगा। तो देखा आपने, आपको 5 MCQ दिए हैं, हर एक के 5-5 ऑप्शन दिए हैं और कोइंसिडेंटली सभी के आंसर लास्ट वाले ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। यानी कि आपको ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में अलग अलग लेटर्स दिए हैं, उसको जोड़कर आपको एक पर्टिकुलर शब्द बनाना है। मैं बोलता हूँ, आप बनाते जाइएगा। ब आधा प्लस आ प्लस ल आधा प्लस ई और क आधा प्लस आ। अब आपको दिख ही रहा है, ब आ ल ई क आ इज इक्वल टू बालिका। दूसरा, म आधा प्लस अ प्लस त आधा प्लस ई इज इक्वल टू मती। थर्ड है, व आधा प्लस ई प्लस ध आधा प्लस ई इज इक्वल टू विधि, छोटी दोनों मात्रा। फिर ग प्लस ऊ प्लस र प्लस ऊ इज इक्वल टू गुरु। नेक्स्ट है, म आधा प्लस आ प्लस त आधा प्लस रु इज इक्वल टू मातृ। नेक्स्ट है, र आधा प्लस आ ज आधा प्लस अ प्लस न इज इक्वल टू राजन। एंड लास्ट है, आधा म प्लस अ प्लस न आधा प्लस अ प्लस स आधा इज इक्वल टू मनस। ठीक है, उसके बाद वाली एक्सरसाइज नंबर 6 है, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को अलग अलग लिखिए। एक साथ आपको 6-7 स्वर वोवेल्स दिए हैं, उसमें से आपको छांटना है ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर कौन सा है। मैं पहले एक साथ जो बंच है वो बोल जाता हूँ। आ ई बड़ा ऊ अ बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा रू छोटा रू और लू। अब आप एक एक को पकड़ते जाइए और पहले ऐसे लिखना चाहिए, ह्रस्व स्वर उसके नीचे दीर्घ स्वर, ऐसा करके ह्रस्व स्वर वाली लाइन में कौन से आएंगे, छोटा ई अ छोटा ऊ छोटा रू और लू। इसका मतलब है जो बाकी बच्चे वो दीर्घ स्वर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में आएंगे, यानी कि आ बड़ा ऊ बड़ा ई और बड़ा रू। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 थी। और लास्ट में एक्सरसाइज नंबर 7 है, वो एक सिंगल क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा है आपको, उसका संस्कृत में आपको आंसर करना है। आपका क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजनानि कानि सन्ति, यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको समझाया था, वो क च ट त प इन पांचों वर्ग वाले जो 5x5 है वो 25 स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन आपको पूछा है अंतस्थ व्यंजनानि कानि सन्ति, तो वो 25 के बाद जो 4 आते थे य र ल व वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे संस्कृत में, अंतस्थ व्यंजनानि अधोलिखितानि सन्ति। फिर वन य आधा टू र आधा थ्री ल आधा एंड फोर व आधा। ठीक है, वापिस मैं दोहरा देता हूँ, अंतस्थ व्यंजनानि अधोलिखितानि सन्ति, यानी कि अंतस्थ व्यंजन नीचे दिए गए अनुसार है। वन य आधा टू र आधा थ्री ल आधा एंड फोर व आधा। तो इस प्रकार हमने पिछले 2 वीडियो में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा था, और आज के वीडियो में मैंने शॉर्ट में पहले आपको ब्रीफ कर दिया चैप्टर के माध्यम से, और जो बाकी बची थी वो 4 से लेकर 7 तक की एक्सरसाइज पढ़ी की हमने। तो इसी प्रकार हम
वीडियो लेक्चरिंग से पठन पाठन करते रहेंगे। आज हमने यहाँ चैप्टर वन का एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेस पूरी की। नेक्स्ट लेक्चर में और नया टॉपिक या नया चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।